नमस्कार दोस्तों, मैं राजू गामित, मेरी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं गुजरात के एक छोटा सा ज़िला यानी कि डांग ज़िले में बहुत सारे छोटे मोटे वाटरफॉल्स है, तो उसमें से आज मैं महल जंगल में स्थित धुल्दा वाटरफॉल्स का विजिट करवाना चाहता हूँ। तो मेरे इस वीडियो के साथ बने रही, हम बाइक लेके जाएंगे, मेरे साथ हेलसन है, फोर व्हील आज घर पे ही रहेगी। तो ये है हमारी रॉयल एनफील्ड की मेटियर, तो हम मेटियर पे जाएंगे हमारे इस वीडियो के साथ। दोस्तों बने रहिए, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो चलते हैं धुल्दा। ये देखिए हमारी मेटियर रेडी है, इस वक्त हम बैठेंगे। दोस्तों, महल का धुल्दा वाटरफॉल सूरत से 108 किलोमीटर, तापी व्यारा से 40 किलोमीटर और सोनगढ़ से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ आने के लिए रास्ता बहुत ही अच्छा है। दोस्तों इस वक्त हल्की सी बारिश शुरू हो गई है, इस वक्त हम मोटादारवाड़ा गांव में एंटर हो चुके हैं, तो शायद हमें रुकना पड़ेगा। हम डांग के प्रवेश द्वार बर्डीपाड़ा पहुंचे हैं। बर्डीपाड़ा में आज लोकल बाजार लगा हुआ है, तो देखते हैं यहाँ पे आज क्या क्या बिक रहा है। इस वक्त बारिश चालू है, तो थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे रुके हुए हैं। गुजरात के डांग जिले के गांवों में प्रकृति ने सुंदरता का अनमोल खजाना का निर्माण किया है। महल के सुंदर और घने जंगल क्षेत्र में पर्यटकों को आकर्षित करता धुल्दा गांव के पास स्थित ये जलप्रपात का नाम धुल्दा वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 50 फीट से अधिक है। घने जंगल, लंबी घास और वनस्पति यहाँ आच्छादित है, जो अमेज़न या दक्षिण अफ्रीका के जंगल की याद दिलाती है।
इस वक्त हम महल के धुलदा वाटरफॉल पे आ पहुँचे हैं। यहाँ पे इस वक्त बहुत सारे टूरिस्ट मौजूद है और नहाने का मज़ा लेते हुए, तो हम आप सभी को हम दिखाएंगे कि यहाँ का जो माहौल है वो कैसा है। तो चलते हैं वाटरफॉल पे। धुलदा वाटरफॉल बहुत ही सुंदर है। यहाँ से गुजरते हुए हर कोई यहाँ रुक के एक फ़ोटो ज़रूर क्लिक करते हैं। ये वाटरफॉल की यात्रा के लिए मानसून का मौसम सही माना जाता है। पूरे मानसून में आप कभी भी इस जगह झरने की खूबसूरती का लुत्फ़ उठा सकते हैं। धुलदा वाटरफॉल की सुंदरता का आनंद लेने के लिए जुलाई से अक्टूबर का समय सबसे अच्छा माना जाता है। इसके अलावा झरने में पानी की कमी के कारण ये वाटरफॉल सूख जाता है। हालांकि आसपास के प्राकृतिक दृश्य मनमोहक होते हैं। दोस्तों, मेरा ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो के बारे में कमेंट ज़रूर करें। बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।